INJP के 5 डॉक्टरों को लग गई कोविड-19 की फर्जी बस्टर डोज। डॉक्टरों ने बूस्टर डोज ली ही नहीं और डोज लगने का मैसेज। ट्विस, नई दिल्ली, कोई डॉक्टर घर पर था, कोई ऑपरेशन थिएटर में, कोई ओपीडी में, तो कोई अस्पताल में था ही नहीं। और उन्हें वैक्सीन की तीसरी डोज लगने का मैसेज आ गया। जब ये डॉक्टर अपने अस्पताल में तीसरी डोज लेने पहुंचे तो वहां पर भी बताया गया है कि रिकॉर्ड के अनुसार उन्हें तीसरी डोज लग चुकी है। वैक्सीन के फर्जी तरीके से रजिस्ट्रेशन का यह मामला LNJP अस्पताल में सामने आया है। अब तक 5 रेजिडेंट डॉक्टर इस फर्जीवाड़ा के शिकार हो चुके हैं, जिन्हें अब तीसरी डोज लेने में परेशानी हो रही है। LNJP अस्पताल के रेजिडेंट्स और इस संबंध में शिकायत की गई है। अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन RDA के प्रेसिडेंट डॉक्टर अविरल माथुर ने कहा कि तीसरी डोज को लेकर फर्जी रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब कुछ लोग बूस्टर यानी तीसरी डोज डॉक्टर्स एसोसिएशन की तरफ से एक पत्र अस्पताल प्रशासन को लिखा गया है, आ गया फर्जीवाड़ा। इन डॉक्टरों को अब बूस्टर डोज लगवाने में आ रही है परेशानी। रिकॉर्ड में आ रहा है कि जन डॉक्टरों को तीसरी डोज लग चुकी है, भी वैक्सीनेशन सेंटर अस्पताल के अंदर ही होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जैसी सूचना आ रही है, लगता है कि वैक्सीनेशन से जुड़े लोग अपना यर्गेट पूरा करने के लिए इस प्रकार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि रेजिडेंट डॉक्टर अपने काम पर हैं, उन्हें मैसेज आ रहा है कि उन्हें वैक्सीन लग गई। एक डॉक्टर को फोन करके पूछा गया कि आप थर्ड डोज लगाने आ जाए, डॉक्टर ने मना कर दिया कि अभी नहीं लेना है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसे मैसेज आ गया कि आपको तीसरी डोज लग चुकी है। वहीं अस्पताल प्रशासन ने इसे गंभीरता से लिया है और जिला प्रशासन को इस पर पहल करने की अपील की है। के लिए अस्पताल की पहली मंजिल पर बने वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे तो वहां पता चला कि रिकॉर्ड के अनुसार इन्हें तीसरी डोज लग चुकी है। डॉक्टर ने कहा कि हमें इसके पीछे धांधली लग रही है, क्योंकि अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स को पहली और दूसरी डोज का वैक्सीनेशन सेंटर अस्पताल ही था, लेकिन बूस्टर डोज के लिए सेंटर का स्थान मार्केट 1, मार्केट 2 इस प्रकार बता रहा है। डॉक्टर अविरल ने कहा कि रेजिडेंट डॉक्टरों के लिए इस बार